Good morning, student. Welcome to St. Angel's online classes from home. Dear student, today we have chapter number 2, The Thief's Story, part 2. Dear student, as we have completed the first part, so let's have a small introduction. A young boy makes friends with Anil. As we came to know that there was a thief, a young boy, jo kya karta hai, who be friends with Anil, Anil ke saath dosti karta hai. And trust him completely, जो अनिल है, he trust him completely and employ, वह उसे काम देता है डिस्ट्रेंट अपने घर में करने के लिए. Does the boy betray his trust, और जो लड़का है, क्या वह उसके trust को धोखा देता है? We are going to find that in this story. So in the first part, we came to know अनिल employ हरी सिंह, जो कि young boy है and by profession he is a thief. Let's go to the second part. Yes, dear student. When I reached the station after stealing the money, Hari Singh ने जब पैसे किसके चुरा लिए थे? अनिल के पैसे चुराने के बाद under his matters गद्दे के नीचे से. When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office. Dear student, जो हरी सिंह है, जो थीफ है, क्या कहा उसने कि मैं टिकट ऑफिस के लिए, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट काउंटर पर नहीं रुका. I had never bought a ticket in my life. और क्या कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था. But dashed straight to the platform. I reached straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The student, जो Lucknow Express है, वह अभी आ पहुँचने ही वाली थी. Just reaching. And the train had still to pick up speed. Sorry. जो the train just moving out, start कर दिया था student उसने चलना. And the train had still to pick up speed. जो train है, अभी उसने अपनी speed को नहीं पकड़ा था. And I should have been able to jump into the one of the carriages. और मैं क्या कर सकता था student? I could have caught. मैं jump कर सकता था और पकड़ सकता था ट्रेन को, इसके एक डब्बे में एंट्री कर सकता था, यानी कि मैं कूद सकता था इसके एक डब्बे में. बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, फॉर सम रीजन, कुछ कारण से. आई कैंट एक्सप्लेन, मैं नहीं बता सकता. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इस तरह से जो ट्रेन थी, आई मिस्ड द ट्रेन एंड आई लॉस्ट द चांस, मैंने अवसर खो दिया यहाँ से दूर निकलने का. आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं हेजिटेट हुआ ट्रेन में एंट्री करने के लिए. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन वहां से चली गई, आई फाउंड माय सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने अपने आप को पाया डिस्ट्रेंट खड़े हुए डेजर्टेड लोनली प्लेटफॉर्म. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि कहाँ मुझे अपनी रात को बिताना है. आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं था. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और मेरा क्या मानना था कि दोस्त होते हैं वो कहीं ज्यादा परेशानी, मोर ट्रबलसम होते हैं, ना कि मदद, वो ज़्यादा मदद नहीं करते, बल्कि दोस्तों के होने से क्या होती है, प्रॉब्लम होती है. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ स्मॉल होटल नियर द स्टेशन. और क्या कहता है, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, मैं किसी को भी क्या नहीं करना चाहता था, उत्सुक नहीं करना चाहता था. कहाँ पर रुककर? स्टेइंग एट द स्मॉल होटल, छोटे से किसी होटल में रुककर नियर द स्टेशन. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, बस एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं अच्छे से जानता था डिस्टेंट, वो कौन था? रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूटा था, अनिल. लिविंग द स्टेशन, और इस तरह से व्हेन आई स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार से होते हुए जाने लगा. इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, मेरे छोटे से करियर में एज ए थीफ, जैसे कि एक चोर का मेरा छोटा सा करियर था. आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने लोगों के फेस पढ़ने के स्टडी, मुझे पता लगी थी. आई गॉट सम नॉलेज. When they had lost their good key, जब वो अपनी चीजें खो देते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं, जैसे कि the greedy man showed fear, जो लालची व्यक्ति होता है वह हमेशा डर दिखाता है. The rich man showed anger, जो धनी होता है जब उसकी कोई चीज खोती है तो वह गुस्सा होता है. And the poor man showed acceptance, लेकिन जो गरीब होता है स्टूडेंट वो क्या दिखाता है, वह acceptance दिखाता है कि चलो कोई बात नहीं, जो नुकसान है वह हुआ तो हुआ. But I knew that अनिल face, लेकिन मैं जानता था अनिल के चेहरे को. When he discovered the theft, जैसे ही उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, he would show only a touch of sadness, वह दुखी होगा. क्यों होगा? Not for the loss of money, पैसे की लॉस की वजह से नहीं कि भाई उसका पैसा चुरा लिया गया है, but for the loss of trust, लेकिन किस वजह से, कि जो उसका ट्रस्ट है उसका नुकसान हुआ, यानी कि उसने किसी व्यक्ति में विश्वास किया और वह विश्वास टूट गया. आई फाउंड माई सेल्फ इन मैडन एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, आई फाउंड माई सेल्फ इन ए मैदान, स्टूडेंट मैंने अपने आप को मैदान में पाया. एंड सेट डाउन, बैठ गया ऑन ए बेंच.
द नाइट वॉज चिली, जो नाइट थी इट वॉज रियली वेरी विंटर, ठंडी थी, इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर था, एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, एंड देर वॉज ए ड्रिजलिंग इन द स्काई, जो मुझे डिस्कम्फर्ट कर रही थी, जो मुझे परेशान कर रही थी. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्द बहुत तेज बारिश होने लगी. माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और जैसे बारिश से मैं गीला हुआ तो उसकी वजह से डिस्टेंट क्या हुआ, जो मेरी शर्ट था और जो मेरा पैजामा था, इट गोट स्टक टू माई स्किन, यह मेरी स्किन से चिपक गया. एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और इस तरह से डिस्टर्बेंट मैं देख सकता था क्या, अ कोल्ड विंड, जो ठंडी हवा है वह मेरे चेहरे पर आकर लगने लगी. आई कुड फील दैट, मैं उसे महसूस कर सकता था. आई वेंट बैक टू बाजार, मैं दोबारा वापिस बाजार में गया. एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ ए क्लॉक, और एक जो घड़ी है, टावर जो था, क्लॉक बिल्डिंग, उसके शेल्टर में बैठ गया. द क्लॉक शोड मिड नाइट, जो क्लॉक थी इट वॉज शोइंग द टाइम दैट इट वॉज मिड नाइट. आई फेल फॉर द नोट्स, मैं स्टूडेंट नोट्स के लिए जो पैसे, जो गड्डी जो थी, उनके बारे में चिंता करने लगा. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, क्योंकि वो डैम्प वेट, वो गीली हो गई थी, किससे स्टूडेंट, बारिश से. अनिल मनी, अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees. जैसे ही सोचने लगा क्या कि अनिल जो है अगली सुबह मुझे क्या करने वाला था, वह मुझे दे देता 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये पूरा पैसा है. आई कुड नॉट कुक हिज मील, अब मैं उसका खाना नहीं बना सकता, बाजार नहीं जा सकता और नहीं सीख सकता होल सेंटेंसेज एनी मोर, वो सेंटेंसेज जो वह मुझे सिखाने वाला था. आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थैफ्ट, मैं भूल गया इन सब अच्छी चीज़ों के बारे में, किस एक्साइटमेंट में रेस्टोरेंट, चोरी के एक्साइटमेंट में. होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, ये सारे सेंटेंस जो मैं जानता था ये मुझे एबल कर सकते थे और ज़्यादा पैसे कमाने में, फ्यू हंड्रेड रुपीज. इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, लेकिन चोरी करना तो बहुत आसान है. And sometimes just as simple to be caught, और पकड़े जाना भी बहुत. But to be really big man, a clever and respected man was something else. लेकिन एक वास्तव में बड़ा व्यक्ति बनना, clever बनना, सम्मानित व्यक्ति बनना बहुत अलग था. I should go back to Anil, मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए. I told myself, if only to learn to read and write, अगर मुझे क्या करना है, If I have to learn, read and write and I have to become a good person, तो मुझे क्या करना चाहिए डिस्टेंट, मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए. I hurried back to the room, feeling very nervous. मैं वापस पहुंचा कहाँ, अपने कमरे में, और मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था. इन दिस वे डिस्टेंट, जो हरि सिंह था वह वापस किसके पास पहुंच जाता है, He reached back to the अनिल. For it is much easier to steal something than to return it undetected. रेस्टोरेंट क्या कहता है, बहुत आसान है किसी चीज़ को चुराना, और अगर आप उस चीज़ को, चुराई हुई चीज़ को दोबारा वहाँ पर रखना चाहते हैं तो इट इज़ रियली वेरी ट्रबलसम. आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने आराम से जो दरवाज़ा उसे खोला. देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे पर खड़ा हुआ. इन क्लाउडेड मूनलाइट, जो बादलों वाली जो मूनलाइट थी, अनिल वॉज स्टिल एज लिप, जो अनिल था वह अभी भी सोया हुआ था. आई क्रैक टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसका जो बिस्तर, सिरहाना हम लोग इसे बोलते हैं. I started slowly moving towards the bed of the head of the bed and my hand came up with a knots. I felt his breath on my hand. मैंने जो पैसे थे वो अपने हाथ में रखकर दोबारा उसी जगह रखने की कोशिश की और मैं महसूस कर सकता था उसकी ब्रेथ, उसकी जो सांस लेने की जो प्रोसेस था अपने हाथों पर. आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, एक शांत, एक मिनट के लिए मैं बिल्कुल शांत रहा. देन माई हैंड Found the edge of the matter, और जैसे ही मेरे हाथ किस पर लगे, जो गद्दा है उसके कॉर्नर पर लगे, I slipped under it with the notes, मैंने जो हाथ था वह उसके नीचे स्लिप किया और जो नोट्स थे स्टूडेंट, I kept it there, मैंने वहाँ पर पैसे वापस रख दिए. I awoke late next morning to find that, उस दिन अगली सुबह मैं लेट उठा, find that अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैंने देखा जो अनिल है उसने पहले ही क्या कर दिया है, ऑलरेडी ही हैड मेड द टी, चाय बना चुका है. He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी ओर फैलाया. There was a 50 rupees note between his finger. उसकी उंगलियों के बीच में 50 का नोट था. My heart sank. मैं घबरा गया. Distant. I got
वरीड आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड मुझे लगा कि जो मेरी चोरी है वह पकड़ ली गई है आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सक्लेम जो अनिल है उसने क्या कहा कि हरी सिंह मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली अब मैं तुम्हें लगातार आपकी पेमेंट देता रहूंगा माई स्प्रिट रोज डियर स्टूडेंट जो थीफ है क्या कहता है कि जो मेरी स्पिरिट थी नाउ इट रोज अब वो बहुत ज्यादा आई वॉज फीलिंग रियली वेरी गुड बट वेन आई टुक द नोट लेकिन जैसे ही मैंने नोट लिया आई सा इट वॉज स्टिल वेट मैंने देखा कि यह अब भी गीला था फ्रॉम द नाइट रेन रात की बारिश से टूडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सैड और इस तरह से जो अनिल था डियर स्टूडेंट्स ने क्या कहा कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग लेकिन ना ही उसके लिप्स और ना ही उसकी आंखें कुछ भी नहीं दिखा रही थी यानी कि जो हरी सिंह है ही न्यू दैट अनिल अंडरस्टूड अनिल समझ गया था व्हाट हैपेंड एट नाइट बट उसने उस चीज को दोहराने की कोशिश नहीं की आई स्माइल्ड एट अनिल मैं उसकी ओर मुस्कुराया इन माई मोस्ट अपीलिंग वे अपने सबसे अट्रैक्टिंग वे में एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ जो स्माइल थी अपने आप आई विदाउट एनी एफर्ट बिना किसी प्रयास के इन दिस वे डियर स्टूडेंट जो हम लोग बात करते हैं गुड बिहेवियर किसका जो अनिल था हिज गुड बिहेवियर मेड अ पर्सन वेरी गुड सो इन दिस चैप्टर वी केम टू नो दैट एसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बींग जो किसी भी व्यक्ति के अंदर की अच्छाई है उसको क्या किया जा सकता है इट कैन बी अवेकन थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग उसे प्यार और समझ से अवेक किया जा सकता है जगाया जा सकता है जैसे कि अनिल ने व्यवहार किया किसको हरी सिंह के प्रति वह जानता था कि वह क्या करना चाहता है लेकिन उसके बावजूद भी ही ट्रीटेड हिम नाइसली और उसने उसे पढ़ाया उसे उसे कुछ सिखाने नया सिखाने की कोशिश किया एंड दैट वॉज द थिंग ये वही यही चीज़ थी जिसकी वजह से हरी सिंह उसको पैसे नहीं चुरा पाया एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू बी अ गुड पर्सन सो वंस अगेन एसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग किसी भी व्यक्ति के अंदर की अच्छाई को हम लोग क्या कर सकते हैं जागृत कर सकते हैं उसके साथ अच्छे से व्यवहार कर उसके प्रति समझदारी को दिखाकर स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर थैंक यू हैव अ नाइस डे